एक्चुअली क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, अब चैप्टर नंबर 16. हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन द कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है. कहता है कितनी दफ़ा एक सेकेंड में कोई लैम्प है वो कितनी दफ़ा आपको मैक्सिमम ब्रिलियंस मींस कि कितनी दफ़ा चमक महसूस करता है मैक्सिमम, यानी हाई ब्राइटनेस जो है मैक्सिमम जो चमक है वो कब शो करेगा, कितनी दफ़ा शो करेगा, जब आप उसे 50 हर्ट्ज की बैटरी या सोर्स के साथ जोड़ देते हैं. अच्छा, सबसे पहले बात तो ये समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. और फ्रीक्वेंसी में ब्रिलियंस जो है वो हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव है या मैक्सिमम जो आपके पास करंट है वो कब मिलेगा. तो ये अगर एक वेव है तो हम उसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो एक ऑल्टरनेटिंग वेव के लिए साइनोसॉइडल वेव में आप देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम ब्रिलियंस आपको मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलती है. तो कहने का मतलब ये कि एक वेव अगर हो तो उसमें आपको दो दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस दिखाई देती है. तो अगर ऐसी 50 हर्ट्ज सोर्स है तो जाहिर है 50 हर्ट्ज सोर्स आपके पास 50 वेव्स पैदा करेगा. तो अगर एक वेव में दो दफ़ा आपको ब्रिलियंस मिल रही है तो 50 में कितनी दफ़ा मिलेगी. हर वेव आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ब्रिलियंस दे रही है, यानी दो दफ़ा दे रही है. तो ऑब्वियसली जब आप 50 हर्ट्ज वाले सोर्स को इस्तेमाल करोगे तो वहाँ 50 वेव्स होंगी, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 टाइम्स पर सेकेंड जो है वो आपको मैक्सिमम ब्रिलियंस मिलेगी. तो कहता है कि एसी जो है वो पिक वैल्यू को रीच करता है ट्वाइस इन अ साइकिल. तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वो 100 दफ़ा जो है वो आपकी मैक्सिमम ब्रिलियंस को शो करेगा. तो लैम्प शोज मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन एसी रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हेंस लैम्प रीचेज मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में वो 100 दफ़ा आपको मैक्सिमम ब्रिलियंस या बहुत ज़्यादा चमक देगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.